जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को पहले T20 महामुकाबला में कुचलने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीमों के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने जारी कर दिए पहले T20 के लिए सबसे घातक प्लेइंग 11। तो वहीं बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 के लिए कप्तान सूर्या कुमार यादव टीम में कर दिया चौका देने वाली सबसे बड़ी बदलाव। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले T20 महामुकाबले के लिए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे कई प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो वहीं पर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 5 से 6 दिग्गजों को शामिल करके बनाई है ये खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिरकार दोस्तों, बांग्लादेश के विरुद्ध पहले T20 महामुकाबले के घातक प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ियों को मौका मिला है, जहां आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज लवर में। तो वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11। तो दोस्तों, देखा जाए तो आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ तीनों ही T20 महामुकाबला में 2 विस्फोटक खिलाड़ी मयंक यादव और ईशान किशन की वापसी से आप खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, भारतीय टीमों को तो पहले 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जबकि इसके समाप्ति के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 कांटेदार T20 मुकाबला का आयोजन किया जाएगा। तो वही आपको बता दूं, इन दोनों टीमों के बीच पहला सुपरहिट T20 का महामुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के सरजमी पर खेला जाएगा, जहां दोस्तों इस धमाकेदार मुकाबला का आयोजन शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो वही दूसरा T20 का महामुकाबला 9 अक्टूबर को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली के खूबसूरती मैदान पर खेला जाएगा, जबकि इस मुकाबले का भी टाइमिंग उसी निर्धारित समय 7 बजे से रखा गया है। तो वहीं अंतिम T20 का महामुकाबला 12 अक्टूबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो वही आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज जैसे ही समाप्त होगी तो T20 सीरीजों के लिए केवल 3 ही दिनों का बीच अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस T20 मुकाबला के लिए कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है। वही दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा अनुभवी बल्लेबाज शुभमन गिल को बांग्लादेश के विरुद्ध T20 सीरीजों से आराम दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वह अब भारतीय टीम का प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, जहां उनके काफी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर उन्हें इस सीरीज से बाहर कर सकते हैं। जबकि आपको तो पता होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीजों में शुभमन गिल जरूर टीम का हिस्सा होंगे। तो वहीं इसके बाद न्यूजीलैंड टेस्ट से पहले शुभमन गिल को आराम मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों कई बड़े आगामी सीरीजों के लिए शुभमन गिल का लाजवाब प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों को बांग्लादेश T20 सीरीजों से बाहर होने की स्थिति के दौरान ईशान किशन जैसे घातक विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस T20 मुकाबला के लिए शामिल किया गया है, जहां आपको तो पता होगा युवा बल्लेबाज ईशान ने साल 2024 में अभी तक कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने घरेलू टूर्नामेंटों में तगड़ी वापसी करते हुए दिलीप ट्रॉफी में बेहतरीन शतक भी लगाया है। दोस्तों, इस धुआंधार प्रदर्शन के आधार पर बांग्लादेश T20 सीरीजों के लिए उन्हें वापसी कराई गई है। तो वही ईशान किशन की वापसी से क्रिकेट फैंस यह दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ एक और मजबूत विकल्प के तौर पर काफी कारगर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं पहले सुपरहिट T20 महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 को लेकर। तो वहीं पहले T20 महामुकाबला के लिए भारतीय टीमों का कंफर्म प्लेइंग 11 बताने से पहले आपको बांग्लादेश टीम की घातक फाइनल प्लेइंग 11 बता दूं, तो ऐसे में बांग्लादेश टीम की ओर से पारी की दमदार आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं विस्फोटक बल्लेबाज तंजिद हसन के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास। तो वही दोस्तों, देखा जाए तो यह दोनों बल्लेबाज तक बांग्लादेशी टीमों को काफी आक्रामक तेज शुरुआत दिलाने का काम अब तक करते आ रहे हैं। ऐसे में तीसरे नंबर पर इस T20 सीरीजों में खेलते हुए नजर आने वाले हैं कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, जबकि इसके बाद नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज तौहीद हिरदौय होंगे, तो वही नंबर 5 पर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर शाकिब अल हसन खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 पर एक और घातक ऑलराउंडर के रूप में महमूदुल्लाह होने वाले हैं, जबकि इसके बाद नंबर 7 पर तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर महेदी हसन अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से जलवा बिखेरते हुए नजर आने वाले हैं। तो वही नंबर 8 पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने 22 वर्षीय युवा धुरंधर खिलाड़ी ऋषभ हुसैन को टीम में रखा है, जबकि इसके बाद नंबर 9 पर अनुभवी तेज गेंदबाज
तस्कीन अहमद शिरकत करते नजर आएंगे। तो वही 10वें नंबर पर मीडियम तेज गेंदबाज तंजीम हसन खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि अंत में 11वीं नंबर पर खतरनाक तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान होंगे। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए भारतीय टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसे में भारतीय टीमों की तरफ से पारी का विस्फोटक शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर एक पर युवा धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, फाइनली लगभग एक सालों के बाद ईशान किशन की वापसी T20 मैचों के लिए हो चुका है, और देखा जाए तो ईशान किशन इस फॉर्मेट में काफी विस्फोटक अंदाज के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही विकेट कीपिंग भी काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो वही ईशान किशन इस T20 जैसे मुकाबले में टोटल 33 मैच खेलने के साथ 125.08 बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कुल 727 रन अब तक लगाए हैं। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट में अपनी कला को दिखाते हुए 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो अब यही उम्मीद होगा कि पहले T20 महामुकाबले में ईशान किशन फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखाएं। दोस्तों ऐसे ही नंबर दो पर पारी का आगाज करते हुए दिखाई देने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। जहां दोस्तों अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी विस्फोटक अंदाज से पारी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों बीते हुए मैचों में वह अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से काफी रन बटोरे थे। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मेट मुकाबले में काफी लंबे पारी भी खेल थे, इसलिए दोस्तों हेड कोच गौतम गंभीर ईशान किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करने के लिए भारतीय टीमों में जगह दी है। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ पहले T20 मैचों में किस आक्रामक अंदाज से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में नंबर तीन पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं T20 के स्पेशलिस्ट कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य कुमार यादव भी इस फॉर्मेट में अपनी घातक बल्लेबाजी से काफी तहलका मचा चुके हैं, साथ ही वह इस T20 मैचों में कप्तानी करने के साथ धुआंधार बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको तो जरूर पता होगा, जब भी कोई मुकाबला बीच में फंस जाता है तो सूर्य कुमार यादव एक गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ऐसे में अब यही उम्मीद होगा कि मिस्टर सूर्य कुमार यादव पहले T20 मैचों में काफी बेहतरीन लय में खेल का प्रदर्शन दिखाएं। तो वहीं इसके बाद नंबर चार पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के विकल्प के तौर पर तिलक वर्मा को पहले T20 के लिए मौका मिला है। जहां दोस्तों तिलक वर्मा भी इस फॉर्मेट में अब तक काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तिलक वर्मा IPL और रणजी ट्रॉफी जैसे मुकाबले में काफी तूफानी बल्लेबाजी भी किए हैं। इसीलिए दोस्तों तिलक वर्मा को पहले T20 के लिए टीम इंडिया में मौका दिया गया है। तो वहीं इसके बाद नंबर पांच पर पहले मैचों के लिए महानतम ऑलराउंडर कुंग फू हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या बीते हुए विश्व कप के दौरान काफी खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। इसीलिए दोस्तों अब फिर से बांग्लादेश के विरुद्ध पहले T20 के लिए उसे टीम में वापसी कराई गई है, जबकि इसके बाद नंबर 6 पर विकेट कीपर विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसंग होंगे। फाइनली दोस्तों संजू सैमसंग को श्रीलंका T20 सीरीज के बाद अब फिर से वापसी हो चुका है। दरअसल दोस्तों संजू सैमसंग को भारतीय टीमों में बहुत ही कम मौका इस फॉर्मेट में खेलने के लिए दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको तो पता होगा संजू सैमसंग एक घातक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। तो वही इस फॉर्मेट में संजू सैमसंग के बल्ले से 5 बेहतरीन अर्धशतक भी निकले हैं। इसीलिए दोस्तों पहले T20 के लिए हेड कोच गौतम गंभीर संजू सैमसंग को फिर से टीम में उतार दिया है। तो वहीं इसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं अक्षर पटेल एक खतरनाक बैटिंग ऑलराउंडर और स्पिन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता होगा अक्षर पटेल बेहद ही कम इकोनॉमी के साथ स्पिन गेंदबाजी करते हुए काफी महत्वपूर्ण विकेट भी छटकाए हैं। इसीलिए दोस्तों पहले T20 के लिए हेड कोच गौतम गंभीर अक्षर पटेल को मौका दिया है, जबकि इसके बाद नंबर 8 पर T20 के स्पेशलिस्ट स्पिनर घातक गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, युजवेंद्र चहल भी इस फॉर्मेट में अपनी धारदार स्पिनर गेंदबाजी से कई अनुभवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता बहुत जल्द ही दिखा चुके हैं। तो ऐसे में अब नंबर 9 पर पहले T20 के लिए मयंक यादव जैसे खतरनाक अनुभवी गेंदबाजों को भारतीय टीमों में वापसी करा दी गई है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता होगा धुरंधर तेज गेंदबाज मयंक यादव तेज तराक गेंदबाजी करने का बेताज बादशाह बनकर अब उभर चुके हैं। तो वहीं इसके बाद नंबर 10 पर पहले मैचों के लिए विस्फोटक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता होगा पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में अर्शदीप सिंह बेहद ही स्विंग गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक विकेट छटकाने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं अंत में नंबर 11 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मोहम्मद सिराज को डॉग आउट का रास्ता दिखाते हुए पहले T20 के लिए मुकेश कुमार को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, मुकेश कुमार अब टीम इंडिया के डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। इसीलिए दोस्तों हेड कोच गौतम गंभीर पहले मुकाबले के लिए मुकेश कुमार जैसे डेथ ओवर लिस्ट गेंदबाजों को शामिल किया है।